उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? कुछ भी नहीं। दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया अटैक करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये दो दिन गुजर गए, डेड स्टेटस के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, मतलब मैं ये कहता हूँ आउट ऑफ गुड विल, तो वो ये समझते थे कि हम पाकिस्तान को जब बनाएंगे तो वो हम इसको चला नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं, वो समय कहते कहना चाहते थे कि हमें ऐसा को अलग बनाना ही नहीं चाहिए, वो समझते थे कि जब हम बना लेंगे तो हम चला नहीं पाएंगे। हमारे ऊपर फिर भी वही लोग जो है ना वो मसलत होते रहेंगे, वही सिस्टम, वही करप्शन, वही सब कुछ, तो हम उसको चलाएंगे कैसे? जब चला ही नहीं पाएंगे तो हम और ज़्यादा ख़राब करेंगे दूसरे को। वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, अच्छा। तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके, आपको नहीं लगता? मेरे साथ ये मेरे दोस्त बैठे हैं, ये कश्मीर के, इनसे पूछें कि इनके इलाके में कितने स्कूल हैं, गर्ल्स के स्कूल कितने हैं, हाई स्कूल कितने हैं और कॉलेजेस कितने हैं। और आप छोटी सी रिसर्च कर लें, यही आप नंबर जाके जम्मू कश्मीर में चेक कर लें, वहाँ देख लें, वहाँ हालात ख़राब होने के बावजूद वहाँ स्कूल्स की रेशो क्या है और कॉलेज की रेशो क्या है, आपको खुद डिफरेंस फील हो जाएगा कि वो कितना आगे हैं और ये कश्मीर कितना पीछे है। हमारे पास है क्या और आप ये बताएं, कलमे के अलावा हमारे पास क्या है? आप किस बेस पे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं? अब ना हमारे पास कोई इतनी ख़ास मिनरल्स हैं, ना हमारे पास पेट्रोलियम है, ना हमारे ज़मीन से कोई तेल निकल रहे हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी ख़ास मैन्युफैक्चरिंग है, हम ना कोई मतलब ना मर्सरीज डेवलप करते हैं, ना हमारे पास है क्या? कलमा है राइट। मैं डरता हूँ बोलने से, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? मैं आपके सामने अब मुझे बड़े तहफ़ात हैं इसे, ये समूह अब देखें कि मैं अब क्या आपके सामने बोलूँ, मैं डर बोलते हुए डर रहा हूँ कि क्या ये आज़ादी है? हालांकि एक आज़ाद मुल्क में खड़ा हूँ मैं, तो क्या लाइफ है बस। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में इलेक्शन का समा बंधा हुआ है, कहा जा रहा है कि अगली सरकार भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही होगी। आज इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर अगली सरकार बीजेपी की आ गई तो 6 महीने के अंदर अंदर आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। उनके इस दावे पर, उनके इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्दअमल है, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? दानियाल। दानियाल, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त। आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त इलेक्शन का समा है, 4 तारीख को जो है इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। कहा जा रहा है कि अगली सरकार भी शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं हालिया नरेंद्र मोदी, उनकी ही हो। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं इंडिया के, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हमने अक्सर देखा है कि इंडिया जो है आज़ाद कश्मीर को लेकर इस तरह के बयान देता है और बड़े कॉन्फिडेंस से देता है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए पाकिस्तान पर कोई फौजी कार्रवाई, कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त और हालात एक दिन तय करेंगे और ख़ुद ब खुद जो है आज़ाद कश्मीर इंडिया में ज़म हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मुद्दे के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने बयान दिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मोदी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया था जब भी आया था, और आई थिंक उसका 3rd tenure होगा ये। तो इससे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? कुछ भी नहीं। दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया अटैक करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये दो दिन गुजर गए, डेड स्टेटस के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। और रही बात मर्जर की, और उनकी वो बात भी ठीक है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद उनके लिए प्लेट में रख के ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी आप देखें कि पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर के जो हालात थे, वहाँ के लोग जिस तरह पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ
सड़कों पर निकले हुए थे। 5 से 6 दिन जिस तरह वहां पे झड़पें हुई कश्मीरियों और पुलिस एहलकारों के दरमियान, कितने कश्मीरी मारे गए, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, फिर कितने पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तो हमने देखा कि कश्मीर किस तरह जो मैदान जंग के पिछले दिनों मनाजिर पेश कर रहा था, इस तरह के हालात एक वक्त था कि हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते थे जो हमने पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में देखे हैं। इसका मतलब है कि उनके दिफाई मिनिस्टर बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें आज़ाद कश्मीर को इंडिया में जम करने के लिए किसी जंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, उनका डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर में एक फ़र्क है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं अपने पार्टी के जो चेयरमैन सदर होता है उससे ताल्लुकात की बेस पे। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर आता है, स्पेशली ये डिफेंस मिनिस्टर उनके हो गए, ये सीटें वो देते हैं एक एलिजिबल और काबिल बंदे को, तो उसके पास कोई ना कोई नॉलेज होगी जिस पर उसने बात की। दूसरी रही बात, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ और दूसरे कश्मीर के लोग मारे गए। मुझे तो सबसे पहले आज तक ये समझ नहीं आई कि हम जो कोई गवर्नमेंट का बंदा शहीद होता है या हमारी आर्म फोर्सेस का, हम उसको शहीद कहते हैं, जब पब्लिक फोर्थ होता है उसको हम शहीद नहीं कहते। वो अपने राइट के लिए नहीं कर रहा था। जब आपको पता है, मुझे पता है, पूरी पाकिस्तान को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि आप बिजली वहाँ से पैदा करते हैं, तो आप क्यों उनको बिजली नहीं दे रहे? वो तो आपके साथ जम हुए हैं ना, वो पाकिस्तान तो नहीं थे, वो एज ए स्टेट आपके साथ आए थे और उन्होंने अपने एग्रीमेंट करके वो आए थे, और आज आपने उनके साथ क्या किया? इससे पहले मैंने, मेरी नज़रों से कोई वीडियो नहीं गुजरी, सीधी सी बात है। क्यों? जो जम्मू कश्मीर में इंडिया करता है इंटरनेट बंद करके, फंडामेंटल राइट्स में से आजकल एक राइट है कि आपके इंटरनेट एक्सेस आपने हर बंदे को देनी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में क्या उनकी तरह आज़ाद कश्मीर में भी इंटरनेट बंद किया? तो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं बंद होता, वहाँ पे 5G सर्विसेज आ चुकी हैं। आप देखें, आज़ाद कश्मीर में आपको 2G नहीं मिलेगा, 3G नहीं मिलेगा, वहाँ पे ख़ास सिम होती है। जब हम पंजाबी वहाँ पे जाते हैं टूर के लिए तो वहाँ पे ख़ास सिम आपको मिलती है, जिस पे आप कहीं कहीं पहाड़ों पे चल के कोई इक्का दुक्का जो है वो सिग्नल आते हैं। वरना आप देखें, आज़ाद कश्मीर में पहले भी जो है सिग्नल नहीं आते, और पिछले दिनों तो 5-6 दिन वैसे ही वहाँ पे मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही हैं। देखें, सिग्नल नहीं आते तो पहाड़ों पे साइड एरियाज़ पे नहीं आते, ऐसा कभी नहीं है कि मुजफ्फराबाद में सिग्नल नहीं आते, वो कैपिटल हब है, वहाँ इंटरनेट की एक्सेस हर बंदे के पास थी। तो अगर आपने बंद किया है वो इंटरनेट तो आपने अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए किया है, ठीक है, वो अपने राइट पे थे। अभी जो कश्मीर में हुआ है, जो हालात इस मुल्क के जा रहे हैं, अगले कुछ सालों बाद, हो सकता है कुछ महीनों के बाद, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं कहना चाहता, ये सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में होगी। पंजाब वाले बोलेंगे भाई इंडस्ट्री हमारी है, गंदम हमारी है, हमें सस्ती मिलनी चाहिए। कराची वाले बोलेंगे जी हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री थी, हमारे पास समुंदर है, जो कुछ है वो हमारे राइट समय मिलने चाहिए। मैं कहूँ, मैं KPK से हूँ, मैं सरहद से हूँ। अब हम लोग बोलेंगे कि भाई सबसे बड़ा डैम आपका हमारे एरिए में तरबेला डैम, हमें आप बिजली नहीं देते, हमारी बिजली के वोल्टेज कम आते हैं, तो हम भी निकल आएंगे। इसका हल सिर्फ यही है, जिसको जो काम करना है वो काम करे, गवर्नमेंट गवर्नेंस देखे, आर्मी बॉर्डर्स देखे, आर्मी गवर्नेंस ना देखे और हुकूमत बॉर्डर ना देखे, सब ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है, जो उत्तर प्रदेश के CM हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कश्मीर को लेकर, ये वाकई में क्या सच साबित हो सकती है? टू बी ऑनेस्ट, मैं एज एन पैट्रियट होकर बात नहीं करूं, अगर एज ए न्यूट्रल होकर बात करूं, और ये आई थिंक आपको भी पता होगा कि 100 में से एटलीस्ट 70% चांसेज हैं कि वो ऐसा कर भी देंगे और वो सक्सेसफुली करेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि हमारे जो पार्लियामेंट के लोग हैं या हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, अब तो वो कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर ये बात बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो गटरों में गिरकर मर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया, ये MQMP के एक रुकन हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े हुए के कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो बेरोज़गार नौजवान पैदा कर रही हैं और इंडिया के जो बच्चे हैं वो 25 टॉप की जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं वहाँ पे CEOs हैं। ये मैं खुद यहाँ से ही स्टडी की है मैंने, इसमें कोई शक नहीं है। जो मैं अगर IT का बंदा हूँ, हर दुनिया में हर तरफ IT है, हमें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है वो मार्केट में यूज़ नहीं होता। क्यों हमें यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद 1 साल 2 साल फील्ड में रगड़ा खाना करके फिर आप इस जगह पे होते हो कि भाई आप अपने लिए कुछ कमा सकते हो? क्यों? मार्केट में और चीज़ रिक्वायर्ड है, यूनिवर्सिटीज़ हमें और चीज़ें पढ़ाती हैं। यूनिवर्सिटी में आप BS लेवल पे जो आपके टीचर्स हैं वो सारे रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर्स ने रिसर्च की होती है, उन्होंने प्रैक्टिकली फील्ड में काम नहीं किया होता।
तो फैकिलिटी का और इंडस्ट्री का गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है कि जो स्टूडेंट्स निकलता है वो बेरोजगार निकलता है। आपने बात की आईटी की, आपने बात की एजुकेशन के निज़ाम की, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, इस कौम और मुल्क का सरमाया है। अगर हम दोनों कश्मीर में कंपैरिजन करें, आज़ाद कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में, तो आप इनमें आईटी और एजुकेशन के निज़ाम में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस कौम का सरमाया नहीं है। इस कौम का सरमाया बनने के लिए हम तब बनेंगे जब हमारे लिए हमारी जो कौम की जो गवर्नमेंट है कुछ करेगी। दे डोंट गिव अ डैम अबाउट अस, वो कुछ नहीं करते। हम जो करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं, गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं करते, और ना हम इसके इन रिटर्न कुछ करेंगे। ठीक है, जिसका जितना बस चलता है, मुझे आज कहीं से अच्छी ऑफर हो बाहर की, मैं सेकेंड नहीं लगाऊँगा यहाँ से जाने में। ठीक है, रही बात एजुकेशन सिस्टम कश्मीर में और दोनों में क्या फ़र्क है, मेरे साथ ये मेरे दोस्त बैठे हैं, ये कश्मीर के हैं, इनसे पूछें कि इनके इलाके में कितने स्कूल हैं, गर्ल्स के स्कूल कितने हैं, हाई स्कूल कितने हैं और कॉलेजेस कितने हैं। और आप छोटी सी रिसर्च कर लें, यही आप नंबर जाके जम्मू कश्मीर में चेक कर लें, वहाँ देख लें, वहाँ हालात ख़राब होने के बावजूद वहाँ स्कूल्स की रेशियो क्या है और कॉलेज की रेशियो क्या है, आपको खुद डिफरेंस फील हो जाएगा कि वो कितना आगे हैं और ये कश्मीर कितना पीछे है। वहाँ पे तो जम्मू कश्मीर में तो आईटी हब्स बना दिए गए हैं, वहाँ के नौजवानों को जो है रोज़गार के मौके दिए जाते हैं। मुझे याद है पिछले साल की शायद बात है कि वहाँ पर जो है 3000 के करीब नौजवानों को जो है वो नौकरियाँ दी गई, वहाँ पर मेगा जॉब फेयर्स करवाए जाते हैं। अब आप ये देखें ना, आपके सामने आपने खुद बात की कि उस कश्मीर में इतने हालात ख़राब होने के बावजूद वहाँ पर हो क्या रहा है, एजुकेशन पर काम, जॉब पे काम, आईटी हब्स बनाए जा रहे हैं। हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान 70 साल से ज़्यादा बने हुए हो गए हैं भाई, रोटी सस्ती कर दो, आटा में दे दो और बिजली दे दो, फंडामेंटल राइट्स मांग रहे हैं, और वो वाले कश्मीरी वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन की गवर्नमेंट अच्छी है बुरी है जैसी भी है, बट एटलीस्ट वो अपने मुल्क में एजुकेशन पर काम ज़रूर करते हैं। हम में हज़ार अच्छाइयाँ होगी, लेकिन जो एक बुराई है वो सबसे बड़ी बुराई है कि हम एजुकेशन पे काम नहीं करते। आपका नाम? शहजाद। शहजाद सर, आपको पता है कि इंडिया में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला है कि अगर अगले महीने 4 तारीख को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? वो हमेशा आज़ाद कश्मीर को लेकर जो स्टेटमेंट देते हैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, ये कब कहा है उन्होंने ये? इसका आज की बात, ये देखें, आपको आप खुद समझदार हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं एक तो पॉलिटिकल्स होती हैं, दूसरा यह कि इवन पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनमें इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि वो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनको दे भी सकें। तो हमें देखना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इनमें इन्वॉल्व हैं या क्या वजह है क्यों वो इस तरह कह रहे हैं। मेरा ख्याल यह है कि हमें थोड़ी सी जो है ना नेशनल कोहेरेंस अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, और वो थोड़ी सी हम उस लिहाज से वीक होते जा रहे हैं। और दूसरा, इस तरह की जो थोड़ी सी बॉन्ड्स होती हैं हमारी नेशनल टाइप की, जैसे हमारा मज़हब था, एक रिलीजन एक होता है, इंस्टीट्यूशन कोई होता है, अच्छा लीडर होता है या इकॉनमी होती है, तो इन तीनों चीज़ों चारों चीज़ों में हम वीक होते जा रहे हैं। तो अब जिस तरह ये रिसेंटली आज़ाद कश्मीर में भी सिचुएशन डेवलप हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, आटे के हवाले से, साथ ही वो और भी उनके इश्यूज जो है ना वो इमर्ज होते जा रहे थे, तो इस तरह की जब सिचुएशंस डेवलप होंगी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना और होते हैं इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो उठना शुरू हो जाते हैं कि तो ये मोदी सरकार या इस किस्म के ये ज़ाहिर है उन सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि एज ए नेशन हमारे अंदर जो बॉन्ड थी वो आप मतलब ख़ुद समझदार हैं कि वो होती है कि कोई आपके अंदर एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का लीडर हो, राइट, या तो उस वजह से हो सकती है, या आपके अंदर कोई बड़ा स्ट्रांग कोई इंस्टीट्यूट हो जिस तरह आर्मी है, ये मतलब दो वजूहत होती हैं। तो आज तक जो है ना ये आर्मी जो थी हमारी वो बड़ी स्ट्रांग उसका एक प्रेजेंटेशन थी हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन ये अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस डेवलप होती जा रही हैं पिछले एक साल से उसे आई मीन इट्स वेरी सैड टू से कि वो जो थोड़ी सी जो था उसकी प्रेजेंटेशन वो अब कन्फ्लिक्ट्री होती जा रही है, उससे जो हमारी कोहेरेंस है नेशनल कोहेरेंस वो वीक हो रही है जो हमारे, तो उसका जो खला है वो सिर्फ अब उसके साथ इकॉनमी भी ख़राब होती जा रही है, तो इकॉनमी की वजह से जो
बहुत से लोग हैं जिनमें अभी प्रॉब्लम्स वो नहीं समझते नहीं कि नहीं है, वो भी वो मतलब कि समझ रहे हैं कि शायद पता नहीं हमने कोई पाकिस्तान बना के बड़ी गलती कर ली है। अब देखें ना, जब वो पाकिस्तान डेवलप हो रहा था हम बड़े वीक थे उस टाइम पे, तो उस वक्त ही बड़े जो बड़े सिग्निफिकेंट मुफक्कर किस्म के लोग थे जैसे अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, मतलब मैं ये कहता हूँ आउट ऑफ गुड विल, तो वो ये समझते थे कि हम पाकिस्तान को जब बनाएंगे तो वो हम इसको चला नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं वो समझ कहते कहना चाहते थे कि हमें ऐसा को अलग बनाना ही नहीं चाहिए, वो समझते थे कि जब हम बना लेंगे तो हम चला नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर फिर भी वही लोग जो है ना वो मसलत होते रहेंगे, वही सिस्टम, वही करप्शन, वही सब कुछ, तो हम उसको चलाएंगे कैसे, जब चला ही नहीं पाएंगे तो हम और ज़्यादा ख़राब करेंगे एक दूसरे को। तो लेकिन हमने सम हो बना लिया, लेकिन उसके बाद हमें चाहिए था कि हम अपने इंस्टीट्यूट्स को अपने सिस्टम को स्ट्रांग करें ताकि हम वो जो बॉन्ड है वो जो कोहेरेंस है वो हम मेंटेन कर पाएँ। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनका जो खदशा है वो सच साबित हो गया है, पाकिस्तान तो हमने बना लिया लेकिन इसको चला नहीं पा रहे हम लोग? सही आप कह रहे हैं, मतलब कि वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमने बना तो लिया, इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट और हम बड़े टैलेंटेड लोग भी हैं, हमारे इंस्टीट्यूट भी बड़े टैलेंटेड हैं क्रिएटिव, लेकिन अब ये जो इस वक्त सिचुएशन है ना, इस वक्त थोड़ा सा हम सबको एज ए नेशन इंडिविजुअल लेवल पे भी हम सबको स्टूडेंट्स ये वो सारे आगे पीछे हर बंदा जो है हमें चाहिए कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसिडर करें, लें जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और इस किस्म के, उनमें भी थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। लेकिन अब आप ये देखें ना सर कि पाकिस्तान के हर सूबे में ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के पिछले दिनों जो हालात थे हमारे सामने थे हमने देखे, उसके अलावा आप फिर ये बलूचिस्तान के हालात देख लें, गिलगित बल्तिस्तान के देख लें, सिंध साइड पर देख लें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुका हुआ है? मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुका है? देखें मुख्तलिफ धड़े जो थे ना वो हमारे है नहीं है एक्चुअली, मुख्तलिफ धड़े जो है ना वो आप मुख्तलिफ धड़े कह सकते हैं किसी भी और कंट्री में, आप उनकी जो रीजंस होती हैं द रीजंस टू आई मीन गेट टुगेदर ये कम, वो बड़ी वीक होती हैं, आप उनके पास, हमारे पास जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग रीजंस थी, हमारा कलमा जो है हमारा जो मज़हब है वो हमारे पास है क्या, और आप ये बताएँ कलमे के अलावा हमारे पास क्या है, आप किस बेस पे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, अब ना हमारे पास कोई इतनी ख़ास मिनरल्स हैं, ना हमारे पास पेट्रोलियम है, ना हमारे ज़मीन से कोई तेल निकल रहे हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी ख़ास मैन्युफैक्चरिंग है, हम ना कोई मतलब ना मर्सरीज डेवलप करते हैं, ना हमारे पास है क्या, कलमा है राइट, तो ये एक बड़ी स्ट्रांग रीजंस है हमारे पास इकट्ठे होने की, इकट्ठे रहने की ना, तो और ये बड़ी मतलब कि प्राउडफुल रीज़न भी है, ये नहीं है कि ये कोई वीक रीज़न है, ये बड़ी स्ट्रांग रीजन है, बहुत स्ट्रांग रीज़न है, लेकिन ये जो इस तरह की रीजन होती है ना मज़हब की या इस किस्म की, इनमें थोड़े से मसले पैदा हो जाते हैं जब आपकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं या इकॉनमी है या पॉलिटिकल सिस्टम है ये जब वीक होते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ी सी बैठ जाती हैं। सर अब यही देखें ना, अब इंडिया को देख लें, इंडिया की इकॉनमी को देख लें, ठीक है, किस तरह इंडिया अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहा है, हर फील्ड में आगे बढ़ चढ़ रहा है, इसीलिए तो आज धड़ल्ले से ये दावा करते हैं कि आज़ाद कश्मीर इंडिया का और इंडिया से बिलोंग कर। नहीं आप आज़ाद कश्मीर जो है ना वो इंडिया से, आप सही कह रहे हो, आज़ाद या दूसरा जो कश्मीर है, आप लेट्स सपोज के आप जो है ना वो उनकी बिजली इतनी महंगी कर दें या उनका रेंट उनकी लिविंग स्टाइल इतना डिफ़िकल्ट बना दें, तो वो लोग जो है ना वो, आप अगर कामन लोगों से भी जाके पूछें ना, मैं वैसे पूछता रहता हूँ, आप उनसे भी जाके पूछेंगे तो वो एक आम जो यंग बंदा है ना, मैं हम यहाँ पे बैठे बातचीत करते हैं, आप उनसे भी जाके पूछें तो वो थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए हैं, यार हमने ये मुल्क क्यों बनाया है, मतलब आप उससे थोड़ा सा डीपली पूछें तो उसको हो सकता है कोई वजह पता ना हो कि क्यों क्या, मतलब लेकिन कन्फ्यूज़ इस वजह से है ये जो सारे क्योस हमारे मुल्क में इस वक्त पैदा हो चुका है, इट वाज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्योस, हमारे अंदर था नहीं ये, ये रिग्ड किया गया है, तो इससे बहुत खतरनाक ये जो आप अगर इंडिया से आपने, मैंने वैसे वो बयान सुना नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ से ये बयान सुने इस तरह का, तो आपको ये एक यू शुड लुक इट एज ए यू शुड टेक इट एज ए रिफ्लेक्शन यू नो कि समझ रहे आप उस मतलब वो बोल क्या बोल रहे हैं, इट्स मीन कि हमारे अंदर कोई वीकनेस है, इस वजह से वो बोल रहे हैं ना कि आज़ाद कश्मीर किस तरह उनके पास चला जा सकता है, मतलब आप आज़ाद कश्मीर को सेटिस्फाई उनको छोड़ें, आप पंजाब को सेटिस्फाई रखें, आप बलूचिस्तान को सेटिस्फाई रखें, गिलगित को सेटिस्फाई रखें, अगर गिलगित ने या बलूचिस्तान ने या पंजाब ने या आज़ाद कश्मीर ने किसी और पार्ट के साथ मिलना है, वो क्यों मिलना है, इकॉनमी बेस पे राइट, लेकिन
डीप डाउन दे ऑल नोज कि हमारी जो एक्चुअल कोहेरेंस है वो तो हमारे कलमे की बेस पे है ना। लेकिन आप कलमा कलमा इस तरह की बातें करेंगे, लोग भूखे होंगे तो वो समझते हैं कि यार ये बड़ी फजूल बातें कर रहे हो आप, मतलब ये क्या कलमे की बातें, ये नमाज की, रोज़े की, इस्लाम की बातें, ये मतलब हमें सबसे पहले जो है अपनी इकोनॉमिक लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, बेसिक जो नीड्स हैं और जो इस्लाम का अल्लाह का हुक्म भी है। अब एक बंदा भूखा है, आप उससे किस किस्म की मॉरेलिटी की मतलब की तवक्का कर सकते हैं, क्या आपको मॉरल वैल्यूज़ देगा? वो तो सबसे पहले अपनी मतलब के जो बेसिक नीड्स होंगी उनको देखेगा कि उसने क्या किस तरह उनको फुलफिल करना है, मॉरलिटी के तो वो वैसे ही परखच्चे उड़ा देगा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शुएब। मैम आपका? किंजा कवल। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ लाहौर में। और मैम आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। ये भी बहुत अच्छा काम है। अच्छा सर, आपको पता है हमारे हमसाये मुल्क भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि अगली सरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की ही आएगी। आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज़ाद कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा, आज़ाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, अच्छा, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके? आपको नहीं लगता? बिल्कुल जाहिर है, वहाँ पे इस वक्त इतना एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। बात पता क्या होती है, जो नेशंस बनती हैं ना वो रूल ऑफ लॉ से बनती हैं, ठीक है ना। मैं बेसिकली पाकिस्तानी भी हूँ और पाकिस्तान से प्यार भी बड़ा करता हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब कि शिकायत बंदा कह ले कि इस मुल्क से कोई शिकायत तो नहीं, क्योंकि मेरा कंट्री है। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का होता है कि हमें यहाँ पर पहुँच के हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस चीज़ की कमी है। माशाल्लाह देखें सारे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम अपने कंट्रीज के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ही नहीं कर सके, क्योंकि जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना तो वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं होती। मतलब कि समझे कि आपकी कोई लाइफ नहीं है, आपको कोई पकड़ के पुलिस वाला आंदा। अब मुझे मेरी क्या, मैं मुझे बोलने की आज़ादी नहीं इस मुल्क के अंदर, मैं सीधी बात, मुझे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मैं सोशल मीडिया अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकता। आपको पता है कि जो हो क्या हाल करते हैं, मुझे कोई आज़ादी नहीं है। मैं बेसिकली कहूँ इस मुल्क का शहरी हूँ, लेकिन मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है इस मुल्क के अंदर, सीधी बात है। मैं डरता हूँ कि बोलूँगा तो मुझे उठा कर ले जाए। तो आपको लगता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पर लोगों को राइट्स मिलते हैं, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है? नहीं, वो तो बेसिकली आप इस चीज़ से अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या कहने का मकसद है कि वहाँ पर फ्रीडम रूल ऑफ लॉज नहीं है। आपको नज़र आते हैं, उसकी वजह देखते कि मेरी बात सुने। मैं सपोज करके आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, मेरे चार भाई हैं वो दुबई में होते हैं। सपोज़ कि मुझे बाहर जाकर कुछ हो जाता है, क्या मेरी बैकग्राउंड के ऊपर मेरे ऊपर कोई बोलने वाला है? मैं कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी कोट करता हूँ। ईरान के पास ना अमेरिका के चार बंदे थे, वो समझो कि उनके जासूस थे या जो भी थे, वाट एवर। अब अमेरिका ने ईरान के $6 अरब रुपया देना था। अब अंदाज़ा करें कि दोनों के अंदर एक डायलॉग हुआ, एक बात के ऊपर कमिटमेंट हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके चार बंदे दे देते हैं, लेकिन आपको हमारा जो $6.5 अरब है ना वो रिलीज़ करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं, चार बंदे जो अमेरिकन नेशनैलिटी हैं, जो ईरान के अंदर हैं, अमेरिका ने $6 अरब उन चार बंदों के अवज़ दे दिया। अब मुझे ये बताओ कि मुझे अगर दुबई के अंदर जाकर कुछ हो जाता है, क्या मुझे छुड़ाने के लिए पीछे कोई मेरी $1,00,000 पीछे लाना कोई पर नहीं, वो दूसरी बात नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा सर। बोलने के लिए कोई है नहीं सर, हमने यही चीज़ इंडिया में देखी। आपको पता है कि कतर के अंदर इंडियन एयरफोर्स के या इंडियन नेवी के कुछ लोग थे जिन्हें सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मौत के मुंह से निकाल कर वापस ले आए। आप दुबई देख ले, आप सऊदीया देख ले, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने लोगों को कभी भी तन्हे तन्हा नहीं छोड़ते। हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में देखा, अभी जो आज का वाक्य हुआ है कर्गिस्तान में, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, उनकी गवर्नमेंट उस पर भी एक्शन लिया है। हम तमाशा देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इंडिया ने एक्शन लिया, उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को निकालेंगे, बचाएंगे। असल ये जो होते हैं ना, मेरी बात सुनो, जितने भी इदारे होते हैं ये हमारे लिए होते हैं। देखिए, हम टैक्स पे करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे करते हैं। अगर मुझे ही उस चीज़ का तहफ़ नहीं है, मैं आपसे खुले हम अभी कह रहा हूँ कि मैं डरता हूँ बोलने से, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं आपके सामने अब मुझे बड़े तहफ़ात हैं इसे, ये इस अब देखें कि मैं अब क्या आपके सामने बोलूँ, मैं बोलते हुए डर रहा हूँ कि क्या ये आज़ादी है, हालाँकि एक आज़ाद मुल्क में खड़ा हूँ मैं, तो क्या लाइफ है बस। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं हैं।
वैसे ये पॉसिबल चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये कुछ देखो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर आपको पता है मोदी जी तो जब भी जीता है ना वो एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट दे के ही जीता है। तो ये कहना कि वो क्योंकि जंग वाला कोई सीन नहीं है, बड़े अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। सर उन्होंने कहा है कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है, आज़ाद कश्मीर के जो हालात बन गए वो खुद ब खुद इंडिया के साथ आ जाएंगे। उसमें आप कह भी सकती हैं, उसकी वजह ये होता है कि बाद का ऐसे होता है कि बाद का तो किसी चीज़ को किसी सेपरेट करने के लिए ना आपको जंग वगैरह के लिए ये जो आप कहते हैं कि हथियार, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सोच ही बड़ी होती है, देखो लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी चीज़ सोचने वाली बात होती है। अब देखिए बांग्लादेश हमसे क्यों लदा हुआ था, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने हमसे लदा किया था। पाकिस्तान मलबा तो इंडिया पे ही डालते हैं। उन्होंने डालते हैं, वो भाई वो अपनी मर्जी से लदा हुए हैं, वो इंडिया के साथ शामिल तो नहीं हुए। ये सोच थी ना बंदों की, तो ये मेंटली तौर पर होते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए जब इंसान ये हम लोग अभी तो प्रेशर डाल के हो जाएंगे, सपोज करें कि मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बात जनरली बातें कर रहा हूँ कि देखिए मेरी बात सुने आप, मैं अब देखें मैं आपको बोला कि मुझे आज़ादी नहीं है, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? बोलेंगे मैं तो तब वहाँ जाऊँगा ना जहाँ पर मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर आज़ाद फील करता हूँ। तो फिर लोग डिसाइड करते हैं कि यार मुझे कहाँ जाना है। तो ये तो ठीक है, अभी तो कोई नहीं, सपोज करें इंडिया का पता भी कोई नहीं है, वो इंतशार पसंद से लोग हैं उनका पता भी कोई नहीं है, वो चवड़े को मार दें उनका क्या है, ठीक है ना? तो उसमें फिर देखिए ये नेशन क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकते। सर उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया और हम देखते रह गए। आपके पास इतना टाइम है कि 25 करोड़ आवाम है, किस किस को उठा के जेलों में डालेंगे? आप उनके साथ लड़ेंगे या अपनी आवाम के साथ लड़ेंगे? ये तब पता लगता है, अभी तो इंसान को कुछ नहीं पता ये मेंटली तौर पर क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा है, ये पढ़े अब आवाम वो वाली 70-65 वाली आवाम नहीं है, पढ़ी लिखी आवाम है। आप इसको मुझे कन्विंस करना बड़ा औखा है, मेरे बच्चों को कन्विंस करना बड़ा औखा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ऐसे दाव दबके इस तरह की चीज़ों से नहीं होता। हम बैठे हुए हैं आराम से, क्यों? हमें पाकिस्तान से बड़ा प्यार है और प्यार करते हैं, इसके लिए मरेंगे भी।